पंजाबी सभा द्वारा भोजन वितरण रिपोर्ट। जुगनू खान। लॉकडाउन के चलते जहां शहर के गरीब एवं दिहाड़ी मजदूरों को कई प्रकार के अभाव का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि 2 जून की रोटी का इंतजाम करना भी एक विकट समस्या हो रही थी, वहीं स्थानीय पंजाबी सभा व प्रसिद्ध समाज सेवी दीपक बाली के सहयोग से गरीबों और जरूरतमंदों तक खाना पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। पंजाबी सभा के द्वारा लगभग 1500 लोगों को प्रतिदिन खाने के पैकेट तैयार करके घर घर भेजे जा रहे हैं। उप रसोई के प्रमुख संचालक श्री रघुनाथ अरोड़ा ने बताया, लॉकडाउन के चलते भोजन का संकट स्थानीय जनता के बीच में विकराल रूप ले रहा था, जिससे निपटने के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही है, परंतु पंजाबी सभा ने प्रथम दिवस से ही लोगों की परेशानियों को समझते हुए यह व्यवस्था की है। शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह पाए, संस्था का यह उद्देश्य प्रमुख रूप से है, जैसी चारों ओर भरी भूरी प्रशंसा हो रही है। भोजन वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहयोग के रूप में सुरेंद्र कपूर अध्यक्ष, सचिव राकेश नरूला, संरक्षक रघुनाथ अनुरा, दीपक बाली, राजेंद्र चावला, राजीव ठुकराल, अनिल चंदवानी, रसोई मनीष शर्मा, सतपाल ठुकराल, मदन गोले, प्रमोद रोहिल्ला, विराट अरोड़ा, हर्षाली प्रदीप अरोड़ा, राजू सेठी, बिट्टू पांडे और विक्की सौदा आदि सम्मिलित हैं। पंजाबी सभा ने ये रसोई चालू की है और शुरू शुरू में हमारे 400-500 डब्बे गए थे बन के, अब बाहर में बहुत हमें एमएलए साहब ने कहा भाई जाने इस जगह भेजो उधर भेजो, तो हमारे अब लगातार 1500 से ऊपर डब्बे बन के खाने के जा रहे हैं और ताज़ा खाना बन के जा रहे हैं। तो हमारे स्वयं 10 गाड़ी हम पे जो उन्होंने पास रखे हैं, हम खुद घर घर खाना पहुँचा रहे हैं काशीपुर नगर निगम के अंदर, और उसके बाद भी कुछ कई बाहर जो है धंधौली पट्टी है वहाँ से आती कोई फ़ोन आता है या किसी पुलिस चौकी से फ़ोन आता है तो हम उसको तुरंत 10 मिनट में वहाँ खाना ताज़ा पहुँचाते हैं। और हमारा पंजाबी सभा इधर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया है, हमारे सुरेंद्र जी कपूर साहब अध्यक्ष हैं, ये बेचारे सुबह से आए थे, नरूला साहब हैं, महेंद्र चावला जी हैं, राजीव ठुकराल जी हैं, राजीव सेठिया जी हैं, हिमांशु अरोड़ा जी हैं, अनिल चंदवानी जी हैं और बाकी हमारे काफ़ी सदस्य पंजाबी समाज के इसको बहुत चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और योगदान भी हमारा साथ दे रहे हैं। किसी संस्था ने हमने लिया, हमने दो दिन फ़ोन किया, हमने आपको वो पैसा कहीं और किसी जरूरतमंद को दे दो। हमारे साथ दीपक बाली जी जो है डी बाली वाले, उन्होंने हमें बड़ी हिम्मत बनाई, उन्होंने कहा जी जितना पैसा कम पड़ेगा जितना चाहिए आप मुझसे लेना, वह हमारे समाज भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इन्हें योगदान दे रहा है और दीपक बाली ने भी अच्छा योगदान।